ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। अब आप सभी लोग को पता हो गया, लास्ट वाले एपिसोड में हमने एक अपना आलीशान सा महल टाइप घर बनाया था इस गेम के अंदर। अब यहां पर वो जो घर है ना, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, बट अभी हमने अपना ना एक सेफ रूम बना दिया था जिसके अंदर डोर भी लगा दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको एक ना सामने एक मस्त चीज दिखाता हूँ। ये देखो, मतलब कि सुबह हो चुकी है और ये ज़ॉम्बी को भी मैं बताता हूँ, इधर आ तेरी है। भाई ये तो तगड़ा ज़ॉम्बी लग रहा है, एक सेकंड इसको अंदर बुलाते हैं। अंदर 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 तेरी भैंस की टांग। अबे मर ही नहीं रहा है तो भाई साहब, मेरे घर में घुस के मारेगा, तेरी भैंस की थप्पड़ मारेगा। चल चल इसको भगा। भाई साहब ये तो बड़ा ही ताकतवर ज़ॉम्बी था भाई, मतलब कि कुछ अलग ही। भाई गेट पे आके चिपका हुआ है भाई, मैं बाहर कहाँ से जाऊँ। तो अभी सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि ये जो है मेरा क्राफ्टिंग टेबल है और ये फन्नास, तो यहाँ पर मैंने दोनों को रख दिया है। और ये जो मैं बेड चुरा कर लाया था उन विलेजर्स का, तो उसको भी यहीं पर कहीं रखते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ रख देते ना बेड, यहाँ पर काफ़ी सही लगेगा। वैसे कहीं भी रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर अपना बेड भी रख दिया, जब सोना होगा तो सो जाएंगे। तो गाइस, आज का वाला एपिसोड जो है बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे घर के नीचे ना एक केव थी और मुझे पता ही नहीं था। तो कल ना मैं थोड़ा बहुत ऐसे घर को डिज़ाइन कर रहा था, माइनिंग कर रहा था थोड़ी बहुत, तभी मुझे ना वो जगह दिखी। तो मैं सोच रहा हूँ ना आज उसके अंदर चलते हैं, लेकिन चलने से पहले ना थोड़े बहुत हथियार वगैरह तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई हुआ, मतलब कि कोई भी जान वगैरह हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और आपको ना एक चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गया, तो मतलब ये देखो, कल जब मैं माइनिंग कर रहा था ना, तो इधर से मैं ऐसे खोदता खोदता आया और भाई ये देखो, मतलब कि इधर से नदी निकल आई। तो मैं सोच रहा हूँ आधे एरिया में नदी हो चुकी है, तो क्यों ना उस साइड भी निकाल दिया है। तो अभी फिलहाल मेरा जो घर है कुछ इस टाइप का हो गया है। तो मैं पता क्या चाहता हूं, पूरा दोनों साइड से एकदम बराबर हो जाए, दोनों साइड से यानी कि लुक जो है सेम हो, और मेरे को ना इधर से भी नदी निकालनी है भाई, दोनों तरफ से पानी आना चाहिए। तो वो जो चीज है मैं सोच रहा हूं अभी करते। ओ भाई साहब ये देखो, ये कहां घूम रही है, इधर आ तेरी ऐसी की तैसी, इसको भी मारूंगा। इधर तेरी ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर आ। ओबे भाई साहब ये मकड़ी, ओ ओ भाई नहीं 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 नहीं, मैं इसके मुंह पे कूद गया। ओ शिट, तेरी भैंस की मेरे पे मत आई। वो नदी मेरे को भाई भाई भाई, चलो गाइस मकड़ी को यहाँ पर मैंने मार दिया काफी खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर अभी मैं किसी बेसमेंट में आ चुका हूँ। ओके, तो काफी तगड़ी बेसमेंट में मैं एंटर हो गया हूँ। अभी फिलहाल ना आगे चलते हैं और ना थोड़े बहुत ना वुड काटते हैं। वुड को काट के ना जितने भी अपने, मतलब जितने भी टूल्स होते हैं, अपनी स्वॉर्ड बनानी है, हमें काफी कुछ बनाना है। और ये जो आप नीचे केव देख पा रहे हो ना, इसी केव के अंदर आज हम जाने वाले हैं। उससे पहले मैं अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का भी सामान इकट्ठा कर लूँ, ताकि मेरे को भूख लगे तो मैं अपनी हेल्थ बढ़ा लूँ। तो गाइस, आज जहाँ पर हम जाने वाले हैं, मतलब कि केव के अंदर जाने वाले ना, उसी के लिए मैं पूरा का पूरा रेडी हो रहा हूं, ताकि भाई अपने को कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वुड इकट्ठी कर रहा हूं। इस वुड के थ्रू ना हम काफी सारे, मतलब कि अपने स्वॉर्ड वगैरह होगा, पिकैक्स हो गया, स्टोन पिकैक्स हो गया, मतलब कि स्टोन स्वॉर्ड होगी, सब कुछ एकदम बना लेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि कुछ पता नहीं है केव के अंदर कैसा एनिमल निकल जाए और हमें उससे फाइट लेनी पड़ सकती है। तो अभी यहां पर आप मेरा घर देख पा रहे हो, मतलब महल एकदम पूरा प्रॉपर बना दिया मैंने। अभी फटाफट सीढ़ी चल के ऊपर चलते हैं। और यहां पर ना मैं सोच रहा हूं कि फटाफट ना, जैसे इधर से पानी आ रहा है ना, तो ऐसा सेटअप कर देंगे इधर से भी पानी आएगा, लेकिन वो काम बाद में करेंगे। अभी दिन हो रहा है, जितनी माइनिंग कर सकते हैं अभी कर लेते हैं, वरना ना रात में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो मैंने काफी सारी वुड कलेक्ट कर ली है, अभी फटाफट जाने वाला हूं क्राफ्टिंग टेबल पर। और यहां पर मतलब कि सारी की सारी वुड के थ्रू ना मैं वो सारा सामान बना लूंगा। ओके, तो गाइस अभी मैंने सारी की सारी वुड के प्लैंक्स जो है बना लिए, और यहां पर ना मेरे को एक डोर और मिल रहा। तो गाइस अभी मेरे पास ना तीन तीन डोर हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूं फटाफट से इस डोर को भी यहां पर लगा देते हैं, ताकि अपना ना डबल डोर वाला एंट्री गेट हो जाए, जो कि यार बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा। ओके, तो यहां पर मेरे को डोर लगाना है। ओके गाइस, तो अभी जो अपना घर काफी बढ़िया गुड लुकिंग हो चुका है। तो ये जो मेन मेरा रूम है ना, इसको मैंने अभी टेम्परेरी बना रखा है। तो मैं सोच रहा हूं ना कि नीचे बेसमेंट पे अपना घर बनाऊं। तो आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना, वो चलो बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ना आज माइनिंग करने चलते हैं, देखते हैं हमें क्या कुछ नया मिलता है, कुछ नया ढूंढना भाई, जो कि अपने बहुत ज्यादा काम आ जाए। तो काफी घर तो भाई बहुत ही तगड़ा लग रहा है, और जब से डबल डोर लगाया ना भाई, और ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो मेरे पे ना दो डोर और है, तो यहां पर भी लगा देते हैं। वैसे यहां पर ना कोई जरूरत नहीं, यहां लगेगा भी नहीं क्या? अरे घास में नहीं लगता क्या डोर? अबे भाई सभी क्या लग गया। ओके, तो घास में भी डोर हमने लगा दिया गाइस, काफी बेकार तरीके से लगाया वैसे। तो दोनों डोर जो है इस तरीके से खुल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर उन्होंने दो डोर और लगा दिए घासों में। तो गाइस यहाँ पर ना रात होने में देर नहीं लगती, तो जितने भी हम वेपन बना सकते हैं, पहले सारे के सारे वेपन में बना लेता हूं। तो देखते हैं भाई कौन कौन से। अरे भाई साहब मेरे पास स्टोन नहीं है क्या, किस चीज की कमी है? ओके, तो यहाँ पर मेरे पास इस चीज की कमी है, मेरे को ना काफी सारे बनाने पड़ेंगे। एक मिनट रुक जाओ, इनको सबको मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ, और बाकी 16 इसके अंदर डालते हैं। और अपने पास काफी सारी स्टिक्स आ जाएगी। अब इस स्टिक के थ्रू ना हम बहुत सारे वो बना सकते हैं। चलो भाई अब सारे के सारे वेपन बना लेंगे हम इन स्टिक्स के थ्रू। तो सबसे पहले मेरे को स्वॉर्ड चाहिए थोड़ी सी, तो स्वॉर्ड यहां पर एक एक्स्ट्रा स्वॉर्ड ले लेता हूं। तो गाइस यहां पर मैंने तीन स्टोन पिकैक्स और तीन एक्स्ट्रा स्टोन स्वॉर्ड ले लिया, और एक वुडन स्वॉर्ड भी है, और साथ में शॉवेल भी है स्टोन के तीन तीन। तो मतलब काफी सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया, ताकि क्योंकि अभी हम केव में जाने वाले हैं, और वहां पर जाने में दिक्कत बहुत ज्यादा आ सकती है। और यहां पर दोपहर हो गई है, तो भाई रात होने में भी टाइम नहीं लगने वाला, शाम होगी अंधेरा होगा, रात होगी ज़ॉम्बी आएंगे। तो उससे पहले पहले हमें उस केव के अंदर घुसना है, और देखते हैं उस केव के
अंदर हमें कौन कौन मिलने वाला है, और वो जो केव का रास्ता है ना, ये वाला रास्ता है। तो भाई चलकर देखते हैं इस केव के अंदर हमें क्या मिलने वाला। भाई मैं पूरी खोद डालूंगा इस वाली केव को, भाई काफी ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे ना बहुत ज्यादा ध्यान से जाना पड़ेगा, क्योंकि एक भी तगड़ा एलियन इसके अंदर हुआ, मतलब एलियन नहीं, मतलब एक भी तगड़ा जो भी मॉन्स्टर टाइप कह सकते हो हुआ, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो भाई मेरे को तो लग रहा है ये जो केव है ना काफी ज्यादा अंदर है, मतलब कि मैं बस जाया जा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ अलग टाइप के पत्थर भी हैं। अब एक रास्ता लेफ्ट को जा रहा है, एक रास्ता राइट को जा रहा है, एक रास्ता ऊपर को जा रहा है। तो भाई मैं इस केव के अंदर ना भटक ना जाऊं, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो ये जो केव है ना यहाँ पर आगे आकर बंद है, मतलब कि हमें इसे थोड़ा बहुत खोदना भी पड़ेगा, तो ही आगे का जो रास्ता है वो खुलेगा। ओ भाई साहब ज़ॉम्बी कहाँ से आके, रात भी हो गई क्या, मेरे को तो पता ही नहीं चला। आ तेरी भैंस की डांग, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आ जा, मेरे को नहीं डर मारा बेटा। ओ भाई साहब एक के बाद एक ज़ॉम्बी लाइन से मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं चार चार स्वॉर्ड लाया हूं तुमसे पिटने के लिए थोड़ी आया हूं। तो भाई साहब यहां पर तो थोड़ी सी ना रात हो गई, और इसीलिए ना इसके अंदर तो वैसे भी ऑलरेडी ज़ॉम्बी रहते हैं, दिन में ही आ जाते हैं भाई इसके अंदर ज़ॉम्बी, क्योंकि इसके अंदर ना अंधेरा होता है, और ज़ॉम्बीज जो होते हैं अंधेरे में ही निकलते हैं। ज़ॉम्बीज हो गए, घोस्ट हो गए, जितने भी मॉन्स्टर इस गेम में हैं सारे के सारे अंधेरे में ही निकलते हैं। और भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां पर जाता जा रहा हूं। ओ भाई साहब यहाँ पर तो काफी सारा कोल है। अब एक रास्ता आगे को जा रहा है, एक रास्ता पीछे को जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से। ओ भाई नीचे गाइस देखो, ओ भाई साहब नीचे इतना सारा लावा है, और यहाँ पर एक झरना गिर रही है। अगर मैं इधर से गिरा तो मैं मर जाऊंगा। अब एक काम करते हैं, मेरे को ना इन मड का यूज कर करके वहां पहुंचना है इस तरीके से। चलो यहाँ पर भी मैंने मड लगाना शुरू कर दिया है, नीचे कूद जाऊंगा। वैसे रिस्क ना बहुत ज्यादा है, इस तरीके से जाएंगे, एकदम बिल्कुल प्यार से जाऊंगा भाई, कोई भी दिक्कत अभी होनी नहीं चाहिए मेरे को, बस ना जाए तैसे करके नीचे पहुंचना है आज कुछ भी करके। लेकिन यार यहाँ पर तो काफी गलत सीन है यार। ओके, तो यहाँ पर भी मैं उतर गया, धीरे धीरे चलेंगे मैं नीचे, क्योंकि जहाँ मैंने जल्दबाजी करी वहीं गड़बड़ जाने वाली है, मेरे को कन्फर्म पता है। तो गाइस अभी नीचे जाने का एकदम प्रॉपर रास्ता मेरे को मिल गया, फटाफट इसे खोदते खोदते चलते हैं नीचे। और यहाँ पर मेरे को ना चलकर देखना है नीचे ऐसा क्या होने वाला है। ओ भाई ये मैं गिरा कैसे, बच गया भाई, मैं गिरा कैसे था ये भाई। अच्छा वहां पर यार पत्थर थे ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर पानी बह रहा है कहीं ऐसा। ओ भाई पीछे कोई है, पीछे कोई तो है, एक सेकंड मेरे को टॉर्च लगाना पड़ेगा भाई। ओए शोर मत मचाओ भाई, डरा रहे हो। एक सेकंड ये पानी कहाँ पर जाने वाला है मुझे वो देखना पड़ेगा। ओके, तो भाई अभी मैं बहुत ज़्यादा गहराई में आ चुका हूँ, मेरे सामने देखो भाई पूरा का पूरा ऊपर देखो भाई क्या नज़ारा है। मैं बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड आ गया हूँ, यहाँ पर एक केव और जा रही है, और भी ज़्यादा अंडरग्राउंड एरिया है भाई ये तो। भाई ओ कोई तो है पीछे, मेरे को जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ रास्ता बंद है। चलो अच्छी बात है, कहीं तो रास्ता बंद हुआ। और ये कौन सा आइटम है भाई, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये डायमंड है क्या, मेरे को लग रहा है, पता नहीं मेरे को, वैसे पता नहीं डायमंड होता कैसा देखने में। तो यहाँ पर मेरे को ना इसे उठाना पड़ेगा, तो मैं इसको उठाने के लिए कुछ ना कुछ ड्रॉप करता हूँ। एक काम करते हैं, डर्ट भी काम आने वाला है यार आगे चलकर, क्या ड्रॉप करूँ जो मेरे को ईजिली मिल जाएगा, इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये क्या चीज़ है मेरे को देखना है। ओके, तो ये लैपिस लुजली करके कुछ है, पता नहीं ऐसा क्या यूज़ है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना है। शायद इससे ना हम अपना वेपन बना सकते हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा माइनक्राफ्ट में ना कुछ वेपन ब्लू कलर के भी होते हैं, तो शायद इससे वही हो सकता होगा, वैसा ही कुछ हो सकता होगा। ओके, तो अभी मेरे को ये रास्ता याद रखना है, तो मैं एक टॉर्च यहाँ पर और लगा देता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ भाई मैं इस रास्ते से आगे गया था। हाँ यहाँ पर एक टॉर्च लगा देते हैं। और भाई आगे देखो भाई कितने तगड़े तगड़े आइटम मेरे को पहली बार नजर आ रहे हैं, सारे के सारे कलेक्ट करके ले जाने वाला हूँ मैं। एक टॉर्च और लगाओ भाई, एक टॉर्च और लगाओ, मतलब कि कोई भी ज़ॉम्बी वगैरह आ जाए ना तो मुझे दिख जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई ये तो काफी ज्यादा टाइट है तोड़ने में, और मैं इसे तोड़ूंगा तो ये पानी में गिर जाएंगे यार। ये पता नहीं क्या है, थोड़ी बहुत इसकी लुक जो है गोल्ड जैसे है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, पहले मैं नीचे एक बेस बना लेता हूँ जहाँ पर मैं खड़े होकर इसे आराम से काट सकूँ, और ये मेरे को मिल भी जाए। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं काटना शुरू करता हूँ, देखते हैं यार पता नहीं कैसे मैंने फिलहाल तोड़ तो दिया, और ये मिल नहीं रहे यार, ये कलेक्ट नहीं हो रहे, पता नहीं क्या चीज़ है, शायद मैं कुछ फालतू जगह पर ही आ गया हूँ, यहाँ पर कोई भी चीज़ काम की नहीं है। लेकिन ये देखने में ना काफ़ी यूनिक से लग रहे हैं, मैं अपने बैग में देख लेता हूँ। हाँ यार ये उठ ही नहीं रहे यार, मैं इतना ज़्यादा बेसमेंट आ गया हूँ, लेकिन ना मेरे को ये बेसिक सी चीज़ समझ नहीं आ रही कि इसका यूज़ क्या है भाई, मतलब कि ये बनाए इन्होंने किस लिए है, पता नहीं यार क्या सीन है, शायद से बाद में काम आएंगे। फटाफट मैं आगे चलता हूँ। अरे 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 आराम से। तो भाई मेरे को पूरा रास्ता बना के चलना पड़ेगा ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। ओके भाई पानी तो बिल्कुल एकदम बहाव बढ़ना शुरू हो गया इसका आगे चल के। निकल। अबे भाई 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 आराम से मैं बह रहा हूँ। ओके, तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा और आगे आ चुका हूँ, यहाँ पर ना कोली कोल इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। आगे एक रास्ता और है, और भाई साहब और बेसमेंट, भाई कितना ज़्यादा अंडरग्राउंड है यार ये। और यहाँ पर थोड़े से कुछ और अलग आइटम दिख रहे हैं, तो इसको भी तोड़ते, ये तो फिलहाल नॉर्मल से पत्थर ही थे। ओके, तो मेरा ना
तो एक तो ना मेरे बैग में ये पता नहीं क्या पड़ा है, इसको मैं अपने ऊपर पहना सकता हूँ, मेरा करेक्टर इस टाइम बहुत तगड़ा हो चुका है ओके। तो गाइस इससे मेरे को काफी तगड़ी आर्मर वाली ड्रेस मिली थी, यानी चलो सही है। अब यहाँ पर ये पता नहीं कौन से पत्थर है, मुझे ना काफी सारी चीजें यहाँ पर यूनिक मिल रही है, मतलब कि जो भी ये देखो, जैसे कि ये है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक तो ना टूटने में इतना टाइम लगाता है पूछो मत, और जब टूट जाता है ना तो फिर उसके बाद कलेक्ट नहीं होता है। देखो भाई पता नहीं क्या ये बस जाता ही रहता है, कुछ तो इससे हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। इससे शायद से ना मेरी वेस्ट की हेल्थ बढ़ रही है, पता नहीं। तो यहाँ पर अभी मैंने अपने प्लेयर को दो ब्रेड खिला दी है भाई, मतलब बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। अभी फटाफट यहाँ से निकलते हो। अबे भाई साहब ये कौन खड़ा हुआ आगे, अबे कौन से देश का प्राणी है भाई तू, है बदमाश मैंने कहा रुक जाए मेरे पास ना स्वॉर्ड है तेरे को बताता हूँ भाई यहाँ से। अच्छा थोड़ा सा और पास जाना पड़ेगा, इसके बेचारा पानी में अटका हुआ है, ये ले तेरी हेल्प करने आया हूँ मैं, तेरी हेल्प करने आया हूँ, समझ रहे। ओ ओ भाई साहब वो तेरी भैंस की, चलते ही भगो यहाँ से। तो यहाँ पर इसके भाई इसको मैंने काफी तगड़े वाला मार दिया है, और यहाँ पर जो मेरे पे हेलमेट वैसे मुझे को मिला था ना काफी सही है यार, मेरे हिसाब से ना उससे कम हेल्थ जाएगी जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने ना ओबे शिट यार मैं लावा में कहाँ गिर गया है यार भाई, जितना भी मैंने लूटा था सारा का सारा रह गया यार, मतलब कि मैं फ्लो फ्लो में भागता हुआ जा रहा था और उसके अंदर गिर गया भाई यार। सच्ची में केव बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं विलेजर्स के एरिया पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर ना काफी खेती वेती चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना नेक्स्ट टाइम मैं भी खेती स्टार्ट कर दूँ। और यहाँ पर ना ये वाले स्टोन काफी सही लग रहे हैं, अगर मैं इन वैसे स्टोन ये थोड़ी डर्ट टाइप ही है, हाँ तो ये जो भी है डर्ट है जो भी है इसको अपने घर के बाहर लगाएंगे, ये काफी बढ़िया लग रहा है यार। जो हमारे घर के बाहर डर्ट है ना वो तो एकदम बहुत घटिया है, लेकिन जो इन विलेजर्स के एरिया में डर्ट है ना भाई ये काफी एकदम मस्त लग रहे हैं देखने में, और इसको अपने घर के बाहर सजाएंगे तो काफी बढ़िया लगेगा अपना घर भी। और यहाँ पर ना मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ा बहुत विलेजर्स का ना सामान उठा लेते हैं भाई, काफी ज्यादा चीजें अच्छी अच्छी भी होती है इनके पास। तो यहाँ पर एक बंदा घर है ओके, तो यहाँ पर इसका क्रेट, भाई साहब इसके क्रेट के अंदर भाई एकदम खाने पीने का सामान पूरा भरा पड़ा है, तो पूरी की पूरी क्रेट ही ले चलता हूँ। लो भाई अभी एकदम मस्त सामान मैंने भर लिया भाई, मतलब पेट पूरा भर जाएगा, भूख नहीं लगने वाली, अगर लगेगी तो थोड़ा बहुत खा लेते ना क्या दिक्कत है। चलो भाई यहाँ पर पोटैटो मेरे को मिले थे, कच्चे खा लेता हूँ अभी, क्योंकि यार अभी मतलब बहुत ज्यादा भूख लग रही है और फनास बनाने का टाइम है नहीं। तो चलो गाइस अभी मैंने ना वहां से वैसे काफी से पत्थर तो उठा लिए थे, और मेरे को ना एक बहुत ही बढ़िया जगह मिली है, अगर वो जगह मेरे को पहले दिखती ना तो मैं अपने अगर यहां की बजाय वहां पर बनाता, मतलब कि ना एकदम लेक है उसके बीच